कुम्हार महासभा श्री गंगानगर के जिला अध्यक्ष मदन गेदर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी घरसाना के निजी सहायक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। मुकेश प्रजापत निवासी जोधपुर पर बर्बरता से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के संबंध में पूरे प्रदेश भर में कुम्हार महासभा द्वारा ज्ञापन सौंपे गए तथा ये चेतावनी दी गई कि 2 या 3 दिन में अगर दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे प्रदेश भर में कुम्हार महासभा तथा पूरा कुम्हार समाज धरना प्रदर्शन करेगा। इस अवसर पर बंसीलाल वर्मा पतरोड़ा से, विनोद वर्मा भगत सिंह नगर घरसाना से, दौलत वर्मा पुरानी मंडी घरसाना से, राजकुमार वर्मा भगत सिंह नगर घरसाना से, सुनील वर्मा 12 MLD घरसाना, पूनाराम 2 GD से, पवन कुमार जी अनूपगढ़ से, रोशन सिंह घरसाना से तथा अन्य सामाजिक युवा साथी उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, मैं मदन गेदर जिला अध्यक्ष कुमार महासभा श्री गंगानगर आज जोधपुर में मुकेश प्रजापति पर हुई ज्यादती पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको दी गई प्रताड़ना के संबंध में उपखंड कार्यालय घरसाना में आज कुमार महासभा राजस्थान के बैनर तले सभी युवा साथी घरसाना उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हम सभी समाज के साथी और अन्य समाज के भी साथी ये मांग करते हैं कि मुकेश प्रजापति पर निर्भरता से दबंगई करने वाले पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री उन्हें सस्पेंड करें। इस हेतु हमने महानिदेशक महोदय को भी पत्र लिखा है तथा पूरी कुमार महासभा राजस्थान की आज 8 जून को प्रत्येक उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय पर ज्ञापन सौंप रही है। अगर कुछ ही दिनों में मुकेश प्रजापति पर हमला करने वाले पुलिस कर्मियों को और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले को सस्पेंड नहीं करती है तो कुमार महासभा राजस्थान पूरे प्रदेश भर में किशोर जी दुल्हे बरा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में कुमार महासभा बड़ा आंदोलन करेगी। धन्यवाद साथियों।